मैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं गणित भाग एक अलजेब्रा इस विषय पर सत्र 2020-21 के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने 25% सिलेबस को कम किया है। तो बच्चों, आपको आज मैं फुल्ली टिक बुक पर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले सरकार ने, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्या क्या पाठ्यक्रम कम किया है, उसका आप 5 पेजेस में दिया हुआ है, आप उसको देखते जाइए। उसके बाद प्रत्येक पेज पर मैंने टिक किया पीले रंग से, आप उसको देखकर अपने बुक पर उसको टिक करिए। उसका अभ्यास इस सत्र में, केवल सत्र 2020-21 के लिए कम किया गया है। तो आइए देखते जाइए। पहला पेज देखिए, 5 पेजेस है पूरे। दूसरे पेज में क्या क्या कट किया गया है यह लिखा हुआ है यहाँ पर। तीसरा पेज देखिए, पेज क्रमांक 4 देखिए, पेज क्रमांक 5 देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2020-21 के लिए ही केवल यह सिलेबस कम किया गया है। तो आइए अब बुक पर पेजेस वाइज हम देखेंगे क्या क्या पाठ्यक्रम कम किया गया है, उसको हम चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो आइए, गणित की किताब गणित भाग 1 नवी कक्षा आप सभी जानते हैं। तो किस पृष्ठ पर किसका किसका हमें अभ्यास नहीं करना है वह हम देखेंगे। तो आइए पेज नंबर वाइज हम देखेंगे। तो पेज नंबर पहला है 6 नंबर पेज, देखिए पीले से उदाहरण नंबर 3 और 4 उसको कट किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीला रंग से हमने उस लाइन को कैंसिल किया गया है। 1.2 के ऊपर ये जो पीले रंग का कट किया गया है उसको इस सत्र में अभ्यास नहीं करना है। पेज नंबर 7 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर चार का केवल पहला और दूसरा इस प्रश्न को हमें पढ़ना है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां इसका अभ्यास नहीं करना है। पेज क्रमांक 8, इसमें यह कृति है, कृति पाठ को हटा दिया गया है और उसके नीचे उदाहरण नंबर 2 और 3 इसको कम किया गया है, इसको इस सत्र में अभ्यास नहीं करना है। पेज नंबर 9 पर आइए, 9 पर यह पूरा ही पेज आओ जाने के ऊपर तक आओ चर्चा करें और ये कृति है, ये दोनों को कट किया गया है। पेज नंबर 10 पर सवाल नंबर 6 और 7 इसको हटाया गया है। पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अब आइए पेज नंबर 12 पर कृति देख रहे हैं आप सभी, इस कृति को पीले रंग से हमने कट किया गया है, उसको हटाया गया है। पेज नंबर 13 पर जो कृति है उसको हटाया गया है। पेज नंबर 15 पर विधि क्रमांक 2, ये जो सवाल है हल किया हुआ है उसका विधि नंबर 2 उसको हटाया गया है। 1.4 से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसको हटाया गया है। पेज नंबर 16 है, अब आइए पेज नंबर 17 पर देखिए क्या हटाया गया है। पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 6 इसको हटाया गया है, कंटिन्यू किया गया थर्ड क्वेश्चन भी पेज नंबर 18 पर। इसके बाद सवाल नंबर 9 और 10 और उसके नीचे देखिए कृति है, इस कृति को भी हटाया गया है पेज नंबर 18 का। 2.1 पर आइए, 2.1 हमारा दूसरा जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और पांचवा क्वेश्चंस, 2 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन, 3 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन इसको हटाया गया है इस सत्र के लिए। पेज नंबर 22 पर देखिए कृति है, संख्या पाए वाली जो कृति है, 22 नहीं पेज नंबर 23 पर जो कृति है इसको हटाया गया है। पेज नंबर 24 पर भी कृति है, प्रकृति प्रसंग 2 के ऊपर
इसको हटाया गया है। अब 35 पेज पर आइए। 35 पे क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा और पांचवा और 8वें का चौथा इस सवाल को कट किया गया इस सत्र के लिए। 35 के बाद हमें सीधे 42 नंबर पेज पर आना है। इस बुक में केवल जिस पेज को हटाया गया उससे ही संबंधित हमने कट किया गया दिखाया गया है। 42 पेज पर देखिए विधि नंबर 2 इसको हटाया गया है। अब पेज नंबर 43 पर देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। पेज नंबर 44 पर जो कृति है इसको हटाया गया है। 45 नंबर पेज पर देखिए जो दूसरी विधि है संश्लेषात्मक भाग विधि के नीचे का भाग जो है 45 नंबर पेज पर 45 इसको हटाया गया है। इसके बाद पेज नंबर 46 पर आइए। प्रश्न 3.3 का रेखी पद्धति को केवल हटाया गया है। रेखी पद्धति से जो हल करना है उसमें पांचवा नंबर सवाल और 6वां नंबर प्रश्न को हटाया गया है। अगला पेज आइए 52 नंबर पेज पर जो कृति है इसको हटाया गया है। इसके बाद 53 नंबर पे सवाल नंबर 10 11 12 और 13 इन्हें डिलीट किया गया है। अब आइए पेज नंबर 55 पर क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवां, 6वां और 7वां प्रश्न इन्हें इस सत्र के लिए कम किया गया है। अब अगला देखिए पेज नंबर 56 पर 11वां सवाल, 12वां सवाल, 13वां, 14वां और 15वां इसको हटाया गया है। उदाहरण नंबर 5 पेज नंबर देख लीजिए 61 पेज नंबर 61 पर आपको क्या क्या अभ्यास नहीं करना है, उदाहरण नहीं करना है। 4.1 का सवाल नंबर 5वां और 6वां इसका अभ्यास नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसका भी अभ्यास आपको नहीं करना है। उसके नीचे देखिए पेज नंबर कितना, पहले आप देखिए 64 पेज पर आपको क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6, 7 62 का 7 और 8 है 61 का। उसके बाद 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन में 5th, 6th, 7th। अब आइए पेज नंबर 70 पेज नंबर 70 पर आइए। इसमें देखिए क्या क्या कट किया गया है। एक कृति है वो कट की गई है। 4.3 पर कृति इसको हटाया गया है। इसके बाद पेज नंबर देखिए, अगला पेज नंबर है हमारा 74 पेज नंबर 74 पर क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th इसको कम किया गया है। अगला पेज आइए 76 इस पे उदाहरण नंबर 3 और 4 पेज नंबर 76 पर उदाहरण नंबर 3 और 4 इसको डिलीट किया गया इस सत्र के लिए। 4.5 पर पांचवा सवाल, 4.5 पर पांचवा सवाल, 6वां सवाल और कृति इसको हटाया गया है। पेज नंबर 77 है, पेज नंबर 77। उसके बाद आइए पेज नंबर 78 पर क्वेश्चन नंबर 9 का 1st, 2nd और 3rd इसको हटाया गया है। अब अगला पेज आइए 79 पेज पर 11वां, 12वां और 13वां इस प्रश्न को हटाया गया है। पेज नंबर 85 इसको पूरा ही के बाद आप आइए पेज नंबर 91
पेज नंबर 91 पर आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 इसको हल नहीं करना है। प्रकृति प्रसंग्रह 5 में दूसरे का 5वां और 6वां इसका भी अभ्यास नहीं करना है। अब पेज नंबर आइए 92 में के जो सवाल है शाब्दिक प्रश्न है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां इसका आपको अभ्यास नहीं करना है। अगला पेज आइए 98 पर जो ऊपर की कृति है कृति नंबर 2 और उपक्रम इसका आपको अभ्यास नहीं करना है। पेज नंबर आइए 103 पेज नंबर 103 पर आपको वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष से अधिक के जो सारणी है सारणी नंबर 3 इसका आपको अभ्यास नहीं करना है। पेज नंबर 106 पर पांचवा जो प्रश्न नीचे का श्री डिसिल्वा के बारे में जो प्रश्न है इसको पांचवा प्रश्न को इस सत्र के लिए डिलीट किया गया है। 107 पेज पर 5वां सवाल, 6वां सवाल, 7वां सवाल, 8वां सवाल और ICT जो टूल्स है इसको भी डिलीट किया गया है। इस तरह से पेज नंबर 107 पर इसको हटाया गया है। पेज नंबर 111 पर आइए 111 की जो कृति है उसको कम किया गया है। पेज नंबर 112 पर आओ चर्चा करें थोड़ा सोचे इन दोनों को डिलीट किया गया है हटाया गया है इस सत्र के लिए। पेज नंबर 118 का क्वेश्चन नंबर 6 इस पेज इस सवाल को भी हटाया गया है। पेज नंबर 119 पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसको इस प्रश्न को दोनों प्रश्नों को नहीं अभ्यास करना है। पेज नंबर आइए 122 पर क्वेश्चन नंबर 4 इसका अभ्यास आपको नहीं करना है। और पेज नंबर 125 पर देखिए आपको कौन कौन से सवाल नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस सवाल को आपको इस सत्र के लिए अभ्यास नहीं करना है। 128 नंबर का पेज आ गया अंतिम पेज शायद है और इस पर आपको सवाल नंबर 7वां, 8वां और जो मनोरंजन है पास्कल का त्रिभुज इसका भी आपको अध्ययन नहीं करना है। तो बच्चों आपको यहाँ तक जो जो पृष्ठ क्रमांक के प्रश्न डिलीट किए गए हैं जो एक्टिविटी है जो उपक्रम है जो उदाहरण है उसको हल नहीं करना है। उसको मैंने प्रत्येक पेज पर जो डिलीट किया गया उसकी आपको जानकारी दी है। आप सभी अपने पाठ्यपुस्तक में उसको टिक कर लीजिए और सत्र 2020-21 के लिए ही केवल इस पोर्शन को हटाया गया बच्चों। इसके अलावा आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। धन्यवाद।